हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से और एक नए कमाल और फ्रेश वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यार Asus ROG Phone 5 और iPhone 11 के बीच में, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी दोनों की प्राइस लगभग हमको सेम देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर नीचे हमको प्राइस में देखने को मिलता है, लेकिन लगभग आपको सेम ही प्राइस में दोनों ही डिवाइस देखने को मिलते हैं। और स्पेशली यार, अगर हम कोई गेमिंग पर्पज के लिए डिवाइस ढूंढ रहे हैं इस प्राइस सेगमेंट में, जिनको लगभग 50,000 के अराउंड कोई गेमिंग डिवाइस लेना है, तो उनके लिए ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला अभी सिनेरियो बन चुका है। तो उसके हम इस वीडियो में थोड़ा क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट है दोस्तों जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो अगर आप इन दोनों में से कोई डिवाइस सिलेक्ट करना चाहते हो। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मयूर, आप देख रहे हैं MSBT। तो सबसे पहले अगर बात करें यार यहाँ पे दोस्तों Asus ROG Phone 5 और iPhone 11 के बीच में, तो यहाँ पे हम स्पेशली गेमिंग पर्पज के हिसाब से ही बात करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको जो एडिशनल फीचर iPhone में भी देखने को मिलते हैं और ROG Phone 5 में भी देखने को मिलते हैं, उनको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। क्योंकि हम अगर स्पेशली गेमिंग के ऊपर फोकस करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ROG Phone 5 की। तो ROG Phone 5 की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पे पता है कि नंबर गेम काफ़ी ज़्यादा खेला गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे इस पे लगभग 18 GB की भी रैम देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे सबसे लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। उसके वजह से नो डाउट दोस्तों आपको यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं Asus ROG Phone 5 का बेस वेरिएंट, यानी कि जो हमको 50,000 रुपीज में देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको 8 GB रैम और 128 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। लेकिन जैसे कि आपको बताओगे दोस्तों कि ये स्पेशल गेमिंग फोन है, यानी कि एंड्रॉइड फोन है, लेकिन गेमिंग के हिसाब से बनाया गया है। उसकी वजह से आपको यहाँ पे काफ़ी कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है, ऊपर से आपको चार्जिंग पॉइंट 2 देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा अगर आप गेमिंग चार्जिंग के वक्त भी करना चाहते हो। वैसे तो इसकी बैटरी भी काफ़ी बड़ी आपको मिल जाती है, 6000 mAh की आपको ROG Phone 5 में बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। उसकी वजह से इसका आपको जो बैटरी बैकअप देखने को मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ अगर हम एडिशनल फीचर की बात करते हैं, तो जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें हमको एयर ट्रिगर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आप स्पेशली पबजी में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। और इस वीडियो में हम पबजी के बारे में ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। और आपको पता होगा दोस्तों कि इस गेमिंग फीचर की वजह से ROG Phone 5 काफ़ी एक हाई डिमांडिंग या काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्केटिंग के साथ में लॉन्च किया गया था। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर ने इसकी वीडियो भी बनाए थे, जैसे कि आपको पता होगा कैरमिनेटिंग ने इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था। उसकी वजह से इसकी मार्केटिंग वैल्यू और इसका जो एडवर्टाइजमेंट किया गया था वो काफ़ी ज़्यादा लेवल पे किया गया था। उसकी वजह से ये स्पेशली एंड्रॉइड की तरफ से आने वाला एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेमिंग स्मार्टफोन हम इसको बोल सकते हैं। वही अगर हम साइड बाई साइड इसको iPhone 11 के साथ कंपेयर करते हैं, तो iPhone 11 के अलग इसके एडवांटेज देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको ROG Phone 5 में हाई रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले देखने को, लेकिन फिर भी आपको पता होगा दोस्तों कि iPhone का जो हमको फ्रेम रेट या स्टेबिलिटी देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिलती है कंपेयर टू एंड्रॉइड, क्योंकि इसमें सबसे मेजर पॉइंट आता है दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन का और हार्डवेयर का। यानी कि iPhone में क्या होता है दोस्तों कि आपको बायोनिक का A13 या A12 जो चिप देखने को मिलती है, उसकी वजह से यहाँ पे उसका ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा किया जाता है। वही अगर हम यहाँ पे स्नैपड्रैगन की या एंड्रॉइड की बात करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैटर्न बन जाते हैं, उसकी वजह से हर एक प्रोसेसर के लिए अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन गेमिंग के लिए करना पड़ता है। और एप्पल के जो डिवाइस होते हैं आईफोन, तो उसमें ज़्यादातर हमको ज़्यादा डिवाइस नहीं देखने को मिलते, उसकी वजह से उसके पैटर्न भी कम होते हैं और डेवलपर को इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, या एंड्रॉयड के कंपैरिजन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैटर्न नहीं निकल के आते, उसको स्पेसिफिक वही डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। उसकी वजह से गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन iOS में काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आता है, उसकी वजह से आपको स्टेबल परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं PUBG की, तो आपको पता होगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते हो या लास्ट अगर आप जोन में हो या लास्ट यहाँ पे सर्कल में हो, तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छे से अच्छे मोबाइल पे लैग कर जाते हैं, लेकिन आईफोन वहाँ पे लैग नहीं करता। तो उसका रीज़न भी यही है कि काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन किया रहता है, और उसी के साथ साथ इनका हार्डवेयर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता है। उसकी वजह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है, उसकी वजह से आईफोन का आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जायरोस्कोप की, तो आपको पता होगा कि आईफोन का जायरोस्कोप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और काफ़ी फास्ट रिएक्ट करता है कंपेयर टू एंड्रॉइड। यानी कि जैसे ही आप मूवमेंट करते हो, तो स्पेशली यहाँ पे आईफोन में काफ़ी क्विक हमको जायरोस्कोप का भी रिजल्ट देखने को मिलता है। उसकी वजह से आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा दोस्तों, वो आईफोन में काफ़ी अच्छा निकल के आता है कंपेयर टू एंड्रॉइड। और बाकी जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि नंबर गेम, तो आईफोन में आपको पता होगा दोस्तों कि आईफोन के तो वैसे भी नंबर नहीं चलते। अगर हम कैमरा की बात करते हैं या रैम की भी बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि 12 MP का ही कैमरा काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस आईफोन का देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम रैम की भी बात करते हैं, तो आईफोन में आपको सिर्फ 4 GB की रैम देखने को मिलती है, और यहाँ पे कि आपको 18 GB की भी जो रैम देखने को मिलती है ROG Phone 5 के अल्टीमेट एडिशन में, उसको भी ये डिवाइस काफ़ी अच्छे से टक्कर दे सकता है, या उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस आपको आईफोन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो अभी ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात कर रहा था, तो आपको पता होगा कि PUBG मोबाइल इंडिया में जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। ऐसी काफ़ी जगह पे आपने
हवाएं निकल चुकी है, काफी ज्यादा बातें इसकी सामने निकल के आ रही है कि हमको एक या दो महीने में पबजी मोबाइल इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो अगर हम स्पेशल इस गेम की बात करता हूँ दोस्तों, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये गेम जो है ये एंड्रॉयड के लिए भी काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो अगर इसका अगर ऑप्टिमाइजेशन एंड्रॉइड के लिए अच्छा निकल के आता है तो फिर नो डाउट आरओजी फोन 5 के जो एडवांटेजेस है उसकी वजह से आपको आरओजी फोन 5 का भी एक चॉइस जो रहेगा वो मेरे ख्याल से अच्छा निकल के आ सकता है। ऊपर से आरओजी फोन 5 आपको 5G डिवाइस देखने को मिलता है और आईफोन 11 आपको 4G के ऊपर ही सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते हो तो वहाँ पे तो आपको वाईफाई के ऊपर ही कनेक्ट करके खेलना है, तो मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी यानी 5G या 4G का यहाँ पे कोई ज़्यादा एडवांटेज हमको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप YouTube कंटेंट बनाना चाहते हो या ज़्यादा वीडियो आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो फिर मेरे ख्याल से ROG Phone 5 आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। और अगर आप कंसीडर करते हो PUBG मोबाइल इंडिया को स्पेशली, तो मेरे ख्याल से ROG Phone 5 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव मैच खेलना है और आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि आपको लास्ट सर्कल में या कहीं पर भी आपका डिवाइस लैग नहीं होना चाहिए, आपको डिवाइस की वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब नहीं करना है, तो फिर नो डाउट आपको सभी कॉम्प्रोमाइज करने के बाद आईफोन 11 ही आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो से थोड़ी मदद हो चुकी होगी कि आपको कौन सा डिवाइस इस प्राइस सेगमेंट में लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।